सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी स्पीशीज, इनफैक्ट ऐसे मैं 5 स्पीशीज बताऊंगा जो पिछले कुछ समय में न्यूज़ में थी और एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में आपको बहुत काम आती है। मतलब हर साल आप एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं। जी हाँ, और जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो स्पीशीज न्यूज़ में क्यों थी और उसका IUCN स्टेटस क्या है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 स्पीशीज, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में जो भी और स्पीशीज न्यूज में रही होंगी उनको भी मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो इन 5 स्पीशीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो नेशनल पार्क की सीरीज में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ काफी स्पीशीज, बट ये कुछ ऐसी हैं जिन पे इस बार आप ध्यान दे लीजिएगा, तो आने वाले टाइम में जो एग्जाम में आएंगी वो आप लोग उसको कम से कम थोड़ा संभाल सकते हैं, चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे हम लोग। सो 5 ऐसी स्पीशीज जो बहुत काम की है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, बट उसके पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं 26 मई तक, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। हर संडे फ्री टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ से आप सब्सक्रिप्शन भी जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक तरह से ले सकते हैं। SGYT10 इस कोड से आप एनरोल कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। कमेंट सेक्शन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ होता है, वहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नए बैच आज से 19 मई से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस ऑप्शन दोनों होते हैं, जहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है आपको, और यू कैन यूज द कोड SGYT10। इस कोड के इस्तेमाल से आप सारे कोर्सेज में जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइट बेलीड हेरॉन। अब देखिए, ये स्पीशीज को ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये बर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड समझ गए होंगे आप कि पिछले कुछ समय में मान के चलिए कि लगभग 90% जनसंख्या इनकी जो है खतरे में आ गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि IUCN का स्टेटस हमें पता होना चाहिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ज्यादातर इंडिया में भी हम लोग देखते हैं तो ये हमें इधर कोस्टल एरिया, मतलब ईस्टर्न घाट की साइड भी हमें दिखाई देता है ये। बट इसकी एक खास बात ये देखी गई है कि इसके जो एक्चुअल हैबिटेट है उसके अलावा भी ये कहीं और अब दिखने लगा है हमें, इसलिए न्यूज में था ये। मतलब ये कि इट हैज या इट हैड ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड इन द एडजेसेंट कमलंग रिजर्व, ठीक है? कमलंग टाइगर रिजर्व जो है, मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो वहां उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कहने का कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी देखने को मिलने लगा है इसका, जो कि एक्चुअल क्षेत्र वहां नहीं हुआ करता था, लेकिन वहां भी ये दिख रहा है। इट मीन दैट कि एक अच्छी बात यह है कि ये इस तरह के जो बर्ड, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के बाद भी, कम जनसंख्या होने के बाद भी, अपने जो एक्चुअल हैबिटेट हैं उसके भी बाहर, मतलब ट्रेडिशनल जो रेंज जहाँ तक मिलना चाहिए उसके भी बाहर दिख रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है, मतलब इन द सेंस कि ये प्रोटेक्शन को लेकर भी और उतनी अवेयरनेस को लेकर भी ये चीज़ एक अच्छी बात है कि उसको अपना एक नया प्लेस मिल रहा है। जी हाँ, जहाँ पर वो सर्वाइव भी कर सकता है। इससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखें कि म्यांमार, भूटान, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है आपको कुछ ये ईस्टर्न घाट के क्षेत्रों में भी मिल जाएगा। मतलब ये ईस्टर्न साइड थोड़ा सा याद रखेंगे आप, तो ये न्यूज में है तो 2-3 बातें याद रख लेना, भले ही एक बार न्यूज में ना आए, लेकिन इसमें 2 बातें याद रखना है। इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका स्टेटस रहेगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखना वहां मिल रहा है ये अभी फिलहाल। तो मतलब कल को ऐसा बोले कि ये इसका हैबिटेट हमें अरुणाचल प्रदेश की ओर भी रिसेंटली दिखने लगा या नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलता है, तो जी हाँ मिलता है। तो एक पहला अपने को ये याद कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज ब्लैक फुटेड फेरेट। भाई एक्चुअल में क्या हुआ है कि US, नॉर्थ अमेरिका में ये ज्यादातर मिलता है, वल्नरेबल इंडेंजर्ड कैटेगरी का ये स्पीशीज है। इसकी सक्सेसफुली क्लोनिंग कर चुके हैं ये लोग। क्लोनिंग इन द सेंस समझ गए होंगे आप लोग कि जिसमें हम लोग आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं ऑफ अ सेल और कोई ऑर्गेनिज्म की। जी हाँ, तो क्लोनिंग से रिलेटेड ये न्यूज में था, तो याद रखना ब्लैक फुटेड फेरेट जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ओके? और ज्यादातर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नेटिव स्पीशीज यदि आप कभी कोई क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली, तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका से संबंधित है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये 2 स्पीशीज बहुत काम की, याद रखना। नेक्स्ट वन इज मलयन जाइंट स्क्वेरल। ये बहुत सुनने को मिलता है, आपने नेशनल पार्क क्लासेस लिए होंगे जब भी मैंने नॉर्थ ईस्ट एरिया में पढ़ाया था। इमेजेस देख लो, चीजें समझ में जल्दी आ जाएगी। अब जब आप जैसे जाओगे मिजोरम में, ठीक है, मणिपुर वाले एरिया में, जैसे मान लो फांगपुई नेशनल पार्क हुआ। जी हाँ, सुना होगा फांगपुई, कमेंट सेक्शन में बताना वेयर इज फांगपुई नेशनल पार्क। उसके बाद में नागालैंड में भी आप कहीं जाएंगे तो उधर नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलती है। अब
इसको अपने को याद इसलिए भी करना है कि कोई पूछ ले कि क्या मलयन जाइंट स्क्विरल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या है, तो ध्यान रखना ये एंटी लिखा है। एंटी मीन्स होता है नियर थ्रेटेंड, खतरे की ओर है, अभी इतना ज्यादा खतरा नहीं लेकिन खतरे की ओर बढ़ गई है। तो इंडिया में ही मिलेगी क्या सिर्फ ये? तो गलत बात है। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलयन पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, बहुत सारे क्षेत्रों में। तो दुनिया में काफी बड़ी, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि स्क्वेरल है, जाइंट नाम से समझ में आ रहा है, काफी बड़ी है। और इंडिया के मामले में भी हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर वगैरह का क्षेत्र, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको याद रखना है। तीन स्पीशीज मैंने अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, एक ब्लैक फुटेड फेरेट याद रखना नॉर्थ अमेरिका, एक व्हाइट बेलीड हेरोन अपने जो ट्रेडिशनल हैबिटेट है उसको छोड़ के उधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में भी मिल रहा है, अपने को अच्छे से पढ़ लेना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, और ये फेरेट जो है ये एंडेंजर्ड है, और मलायम जाइंट स्क्वेरल जो है नियर थ्रेटेंड है। होबारा बस्टर्ड ये भी न्यूज में है, ये वल्नरेबल है। अब ये है क्या, इसको देख लो पहले, इसका चेहरा देख लो आराम से, वल्नरेबल स्पीशीज है। इंडिया के रीजन में भी हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा इस साइड मिलेगा, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में कवर करेगा, वेस्टर्न साइड में मिलेगा ज्यादातर। तो ये हालांकि सेंट्रल एशिया वगैरह के जो पार्ट है या अरेबियन पेनिनसुला, मिडिल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलेगा अपने को, है ना? मतलब नीचे इधर आप ईरान वगैरह के क्षेत्रों तक भी जाओगे तो मिल जाएगा, अरेबियन पेनिनसुला वगैरह, सऊदी अरब वाले एरियाज तक, मतलब ड्राई एरिड रीजन इसका एक तरह से हैबिटेट है। तो हैबिटेट भी इसके पूछे जा सकते हैं कि क्या ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा इंडिया में, तो आपको एटलीस्ट याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में तो नहीं मिलना है, मिलेगा भी तो इस साइड के क्षेत्रों में मिल सकता है, ये टूवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है? तो ये याद रखना। ऐसे ही बस्टर्ड करके क्वेश्चन और आया था, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लास्ट ईयर, वैसे ही याद रखना, ये वल्नरेबल है, भूलना मत। ऐसे ही एक और है हिमालयन ग्रिफॉन। हिमालयन ग्रिफॉन में एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो ये आपको इस तरह का वल्चर जो है, हिमालयन वल्चर जिसको हम लोग कह रहे हैं, अब नाम से समझ में आ रहा है कि ठंडे प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक बात ये देखी गई है कि रिसेंटली इसको इन्होंने जो है पहली बार पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमेंट में बताइएगा, पता होगा वैसे तो आपको, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो पॉइंट कैलीमेर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो उन एरियाज में ये पहली बार जो है, मतलब भारत के दक्षिण वाले भागों में भी इसका क्षेत्र देखे गए हैं। आप तो अक्सर इसका एरिया तो हालांकि तिब्बत एरिया हुआ, हिमालयन एरिया हुआ, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बट ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि ये अब पहली बार जो है भारत के दक्षिण वाले भागों में भी अपने को यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, सो बर्ड सेंचुरी जनरली यदि हम लोग बात करें, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलीमेर वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिला है हमें, मतलब भारत के दक्षिण वाले भागों में। जी हाँ, इसलिए इसको याद रख लेना, नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है। नियर थ्रेटेंड जो अभी उसमें स्क्वेरल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये दो स्पीशीज को आपको याद रखना है। इसके बाद में होबारा बस्टर्ड वल्नरेबल में बैठा है, ठीक है? उसके बाद में ब्लैक फुटेड फेरेट इंडेंजर्ड है, और व्हाइट बेलीड हेरॉन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इनको जरा एक बार नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये काम आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? और 26th of May तक जो है हमें सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जब आप लेते हैं तो उसमें काफी कुछ आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, बिल्कुल उस चीज का इस्तेमाल करिए आप। और हर संडे टेस्ट हो रहा है 11 बजे, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। SGYT10 का आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए बैच 19 मई से शुरू हो रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर बैचेस, बिल्कुल आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेते हैं तो यू कैन यूज द कोड SGYT10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं UPSC की घर बैठे विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।